Good morning, students. So, you are ready with the part 2 today. Yesterday we discussed that we are going through the part 2 accountancy now from today onwards. आज से हम accountancy part 2 करने वाले हैं और hope कि आप लोग ready हो. Ready है ना? बच्चों धनराज सेज यस, वंशिका सेज यस यस, ओके लसन, वेरी गुड. तो अकाउंट्स के 11 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए. उससे पहले थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दो कि पार्ट वन कैसा लगा, मजा आया या नहीं, पार्ट वन में मजा आया या नहीं. हैव यू एंजॉयड पार्ट वन? अगर पार्ट वन में मजा आया, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस थे, तो पार्ट टू के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं. What we are going to study will have a broad concepts of accounting now. So it is little different. Part 1 basic tha, understanding tha. Part 2 jo hai, wo usse thoda jyada hum upar badhke jayenge, that it will have more concepts rather than the basic things. So let's go on with the part 2, chapter number 1. What is chapter number 1? Rectification of अकाउंटिंग एरर. चैप्टर नंबर वन है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स. तो इस पार्ट में भी दिख रहा है हमें कि पार्ट वन की तरह यहां पे भी 11 चैप्टर्स हैं. पार्ट वन में 11 चैप्टर्स थे, पार्ट टू में भी 11 चैप्टर्स हैं. वी आर ऑन वेरी फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे. So let's go with the introduction, rectification of errors. इस चैप्टर में जो हमें सीखना है, what we will make our attention. Introduction portion will be easy as always. फिर हम important चीज इस चैप्टर में जो सीखेंगे, types of accounting errors. भाई accounting errors कितने प्रकार के होते हैं? Mainly accounting errors कितने टाइप के होते हैं, सर ने लिखा यहाँ पे, देखो दिखाई पड़ रहा है. मेनली कितने प्रकार के होते हैं? मेनली दो. कौन से दो? तो एक होता है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा होता है एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. कौन से दो टाइप होते हैं? एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब एरर हुआ है पर उसकी कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगी. दूसरा है कि एरर हुआ है और ट्रायल बैलेंस पे भी उसकी इफेक्ट होगी, जिसको हम एरिथमेटिक एरर भी कंसीडर कर सकते हैं. अब एरर जब भी होता है विल अफेक्ट टू योर प्रॉफिट लॉस और पोजीशन. तो एरर की इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस पे कब होती है वो भी हम सीखेंगे और एक्सरसाइज. सो फोकस पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट्स पे हम फोकस करने वाले. इंट्रोडक्शन विल बी अ डैम इजी पोर्शन ऑफ द चैप्टर. We have studied the types of errors in this regard, that there are two types of error, that errors which do not affect the trial balance, and second, the error that affects the trial balance. Now, after rectifying error, what effect will be there on profit or loss of the business, that also we'll study, and exercise questions will be following. Let's go with the introduction. The information regarding arithmetical error in preparing a general posting ledger, extracting balances of account can be obtained by preparing trial balance. अगर arithmetic error है, मालूम है ना, trial balance वाले chapter में हमने बात की थी, that arithmetic accuracy, remembered or not, what we had discussed in trial balance chapter, कि trial balance बनाने से अगर arithmetical error है, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस पे से ही पता चल जाता है. क्यों पता चल जाएगा मालूम है? कि ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली ट्रायल बैलेंस का होगा या नहीं होगा अगर अरिथमेटिक एरर है. तो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, टोटल किया, डेबिट साइड आया 10 लाख, क्रेडिट साइड आया 9 लाख, यहां समझ जाना है देयर इज समथिंग रॉन्ग. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब कोई अरिथमेटिक एरर. पर इसका मतलब ये नहीं कि सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो एरर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नहीं. वो भी पॉसिबल है. ट्रायल बैलेंस दोनों साइड, सर डेबिट और क्रेडिट दोनों 10 लाख है, मतलब कोई एरर नहीं है. ट्रू और फॉल्स? डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस दोनों साइड 10 लाख है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है. ट्रू और फॉल्स?
ध्वनि पुष्टि भ्रूण बोलो। ट्रायल बैलेंस जो टैली थी जाए एनो मतलब कोई एरर नहीं। साहिल सेज ट्रू एंड वंशिका सेज फॉल्स। देयर मे बी एरर साहिल। हाँ, ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया तो एरिथमेटिक एरर नहीं है साहिल। गॉट दिस थिंग? इफ योर ट्रायल बैलेंस टैलीज व्हाट इट मींस देयर इज नो एरिथमेटिक एरर। क्लियर? बट देयर मे एरर इफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस टैलीज। इफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस टैलीज इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज नो एरिथमेटिक एरर। कौन सा एरर नहीं है? देयर इज नो arithmetic error in recording the transaction, posting, extracting balances of account. But if trial balance does not tally, agar tally nahi hua, there must be some error in writing of books of accounts or errors are detected and rectified. Error ke andar dekho teen, jab bhi aapke paas accounting errors hai na, hame teen baaton ka dhyan rakhna hai. Jab bhi aapke paas errors hai to sabse pehle hota hai detection मतलब to find the error. क्लियर? कि एरर को डिटेक्ट करना। दूसरा होता है करेक्शन मीन्स टू रेक्टिफाई द एरर। और तीसरा होता है प्रिवेंशन। तीसरा क्या होता है? प्रिवेंशन मतलब टू प्रिवेंट टू स्टॉप द रीअकरेंस ऑफ द एरर। ये तीन बातें मुझे ध्यान रखना है भाई। एरर को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करना मतलब फाइंड करना, ढूंढना। ढूंढने के बाद उसको क्या करना होता है एरर को मुझे ढूंढने के बाद एरर को क्या करना होता है? करेक्शन। बराबर, करेक्शन भाई, ये एरर थई छे एने रेक्टिफाई करवानो। वेरी गुड, उसे सुधारना। और तीसरा क्या? प्रिवेंशन मतलब अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये चीज दूसरी बार नहीं होना चाहिए, रीअकर नहीं होना चाहिए, उसके रीअकरेंस को स्टॉप करना। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट द ट्रायल बैलेंस इज नॉट फाइनल यार्ड स्टिक। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब ये एरर नहीं है, ऐसा नहीं है, फाइनल यार्ड स्टिक नहीं है एरर का। इवन इफ ट्रायल बैलेंस टैलीज, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर एरर मे हैव बीन कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट। साहिल, जो अभी मैंने बात कही थी कि ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो भी एरर हो सकते हैं, पर वो नॉन एरिथमेटिक एरर होंगे, और उस एरर को हम बोलते हैं द एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। दस द एरर अफेक्ट द सॉरी द एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। द एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मस्ट बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन दोनों जरूरी है। द अकाउंट्स विल रिवेल, अगर एरर रहे तो अकाउंट्स आपका ट्रू पिक्चर नहीं बताएगा। ओनली आफ्टर रिवेलिंग द एरर, करेक्शन द करेक्टिंग द एरर, द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस ओनली व्हेन द एरर्स आर रेक्टिफाइड कैन बी नोन। दिस प्रोसेस इज इनएविटेबल। अगर एरर है तो ये प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर इन अकाउंट्स एंड रेक्टिफाइंग देम इज कॉल्ड, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे। What is rectification of errors? The process of, लिख सकते हैं हम, the process of detecting errors in accounts and rectifying them is called rectification of error. भाई error came rectify, what are the objectives of rectification of error? देखो आज नोट में अपने को लिखना है, मीनिंग लिखना है rectification of error का। तो मीनिंग वन लाइनर है, एकदम इजी। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग अकाउंटिंग एरर्स एंड रेक्टिफाइंग देम इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखने का खुद ही बना के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चार ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। व्हेन द एरर इज डिटेक्टेड अकाउंट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इट इज टू बी रेक्टिफाइड। भाई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर एरर मिला है तो उसे रेक्टिफाई करना चाहिए, एक ये ऑब्जेक्ट है।
सेकंड, ट्रायल बैलेंस बना दिया आपने, उसके बाद एरर मिला तो भी उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। व्हेन एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इट इज टू बी रेक्टिफाइड। सेकंड ऑब्जेक्ट ये, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला तो उसे रेक्टिफाई करने का ऑब्जेक्ट है, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में मिला तो भी उसे रेक्टिफाई करने का ऑब्जेक्ट है। थर्ड है टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, भाई तुम्हारे साचो प्रॉफिट के लॉस जोइए अने एरर हसे तो मलसे। कैन यू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट और लॉस इफ देयर इज एन एरर, अगर एरर है तो आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है? नो तो ऑब्वियस है, क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? डू यू नीड टू रेक्टिफाई एरर और नॉट? रेक्टिफाई कर वो पर से राइट तो ये ट्रू प्रॉफिट लॉस। एंड लास्ट ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलता है मालूम है? वी विल रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन बाय विच स्टेटमेंट वी कैन नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या स्टेटमेंट बनाई ने तुम्हें? यस वेरी गुड वंशी का बेटा, सो टू नो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, वेरी गुड साहिल, सो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी कम टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन। पर अगर एरर होगा तो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगा आपको? अगर एरर है, गलती है अगर अकाउंट्स में, तो ट्रू पोजिशन पता चलेगा नहीं। तो एक लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई अकाउंटिंग पीरियड एंड में आपका फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू जानना है तो करेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग एरर इज नेसेसरी। सो फोर, दीज आर द फोर, ये चार क्या चीजें हैं? व्हाट आर दिस फोर? दिस फोर आर व्हाट वी हैव सीन इज शू छे आ चार वस्तु जो आपने जोयू, शू छे आ चार वस्तु? यस राइट, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। तो ट्रायल बैलेंस से पहले एरर रेक्टिफाई करने का ऑब्जेक्ट है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर मिला उसको रेक्टिफाई करने का ऑब्जेक्ट है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, फॉर दैट आल्सो वी नीड टू रेक्टिफाई द अकाउंटिंग एरर, एंड फोर्थ टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन व्हाट इज वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, सो टू नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन वाय बैलेंस शीट we need to rectify the error. So these four are the objectives, right? अब बात करें errors की। सर ने starting में कह दिया भाई errors कितने type के होते हैं, what are the types of errors? Basically there are dash types of errors. How many types of errors are there? Right, there are two types of error. Which two types of error are there? First error, which do not affect the trial balance, and second, which affects the trial balance. Ab ye errors hum one by one dekhenge, in errors ko hum one by one study karenge. Pehle hum baat kare errors which do not affect the trial balance. Okay, pehle kaun si baat kare? Errors which do not affect the trial balance. अब do not affect the trial balance से क्या मतलब है? ये error trial balance को affect नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि error है पर trial balance tally होगा या नहीं होगा? Will trial balance get tallied or not? Yes or no? ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया, डेबिट टोटल 10 लाख, क्रेडिट टोटल 10 लाख, टोटल दोनों साइड सेम है पर वहां पे एरर है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, बोथ द साइड ट्रायल बैलेंस टोटल विल बी टैलीड। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल कैसा होगा? दोनों साइड का टोटल कैसा होगा? इक्वल होगा। और हम ऐसा जनरली इक्वल हो तो हम क्या मान लेते हैं? हम क्या मान लेते हैं? देयर इज नो अकाउंटिंग एरर। पर वहां पे कौन सा एरर हो सकता है? एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। उसमें फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन। एक छे ना फर्स्ट जो तो एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट इट मींस? ओमिशन मींस व्हाट? Omission means what?
goods of rupees 10,000 purchased from Ram is not recorded in purchase book. ख्याल आयो भाई क्यों एरर था हुआ? लिखा ही नहीं मैंने, समझे आप? ओमिशन मतलब क्या, ओमिट करना मतलब क्या? जब भी सर बोलते इसको ओमिट करो, मतलब क्या करो, इसको छोड़ दो, ओमिट करना मतलब क्या, छोड़ दिया। लिखना था भाई गुड्स खरीदा 10,000 का राम के पास से, कौन सी बुक में लिखना था आपको, कौन सी बुक में लिखना था? या उसकी जनरल एंट्री क्या देनी थी भाई, परचेस बुक में लिखना था, या जनरल एंट्री क्या देनी थी? राम के पास से 10,000 का गुड्स खरीदा, क्या जनरल एंट्री देनी थी आपको? राम के पास से 10,000 का गुड्स खरीदा, जनरल एंट्री क्या देनी थी, बोलो जल्दी। परचेस टू ब्रोन कैश, क्या कह लू जे, परचेस टू राम, यस, क्या एंट्री देनी थी, परचेस टू राम, क्लियर। मतलब परचेस डेबिट में 10,000 नहीं लिखे और राम क्रेडिट में 10,000 नहीं लिखा, डेबिट साइड 10,000 कम लिखा, क्रेडिट साइड 10,000 कम लिखा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं, इस एरर से? रोन नहीं होगा टैली, नहीं होगा कि हो जाएगा, टैली नहीं होगा या हो जाएगा? Will it get tallied? हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? दोनों साइड आपने 10,000 कम लिखे, समझो फर्क क्या पड़ेगा, What will be difference? Just think on it. The difference will be only that कि टोटल आना चाहिए था 10,10,000 दोनों साइड पर, अब कितना आएगा मालूम है, 10,00,000, क्योंकि डेबिट में भी 10,000 नहीं लिखे, क्रेडिट में भी नहीं लिखे, your trial balance will be tallied. This error will not affect the trial balance. Is it clear everyone? तो error of omission का मतलब क्या होता? Salary paid to Ramesh not recorded in cash book. भाई record ही नहीं किया उसको. और omission हो गया, omit हो गया. ये transaction not recorded in book. This transaction not recorded. अब not recorded मतलब debit में भी नहीं recorded है और credit में भी नहीं है, इसलिए वो trial balance को affect नहीं करेगा. Clear? Clear everyone? एरर ऑफ ओमिशन ख्याल आ गया? यहां पे सर इलस्ट्रेशन भी लेते जा रहे हैं, बराबर वो एरर लिखा, ये सर ने क्या लिखा, इलस्ट्रेशन लिखा उसका, इलस्ट्रेशन। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर? तो ओरिजिनल एंट्री जाप पानी शू करवानी, ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि आपने ना डेबिट लिखा, ओरिजिनल एंट्री क्या देनी पड़ेगी मुझे, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम्स अकाउंट 10,000। ख्याल आ गया एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? गॉट दिस? एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है पता चल गया सबको? ओके, उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो पता चल गया, उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं भाई, गिविंग ओरिजिनल एंट्री, जेनी एंट्री आवी जो ये एज आपवानो। अबे सेकंड कहूं छे यहां जो एरर ऑफ, सेकंड कौन सा है एरर ऑफ, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स मींस नॉर्म्स या तो रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस व्हाट? नॉर्म्स, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट। उसका एक इलस्ट्रेशन देखें, सैलरी पेड टू महेश रुपीस 3,000 डेबिटेड टू महेश अकाउंट। आ क्यों एरर थयो?
क्यों एरर था यू भाई, क्यों एरर, एरर छे के नहीं, पहला तो मैंने ये बताओ, इज देयर एनी एरर और नॉट, पहला तो मैंने ये बताओ इज देयर एनी एरर और नॉट। सैलरी पेड टू महेश रुपीज 3000, शू बने जनरल एंट्री, एनी रियल जनरल एंट्री, शू बने रियल जनरल एंट्री, रियल जनरल एंट्री या तो करेक्ट जनरल एंट्री शू बने, करेक्ट जनरल एंट्री शू बन से, बोलो बोलो जल्दी। सैलरी टू कैश शू बने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पन रॉन्ग एंट्री शू बनाई दी तुझे, रॉन्ग एंट्री शू बनाई दी तुझे, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री शू बनाई दी तुझे अपने, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश बनाई दी तुझे, शू बनाई दी तुझे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ख्याल आ गया, ये ख्याल आ गया भाई, ये ख्याल आ गया सबको, गॉट दिस, कि करेक्ट एंट्री बनानी थी सैलरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री बना दी महेश टू कैश, विल दिस अफेक्ट टू ट्रायल बैलेंस, अमाउंट तो वही का वही लिखा, अमाउंट तो वही का वही लिखा, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, यस और नो, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, राइट, अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने सैलरी लिखना था, आपने महेश लिख दिया, अमाउंट तो वही का वही है, पर सैलरी कम आएगा महेश ज्यादा आएगा, लेजर में सैलरी आपका 3000 कम आएगा, महेश 3000 ज्यादा आएगा, क्लियर। तो ये एरर अफेक्ट नहीं करेगा। अबे आवा एरर ने कई रीते रेक्टिफाई करवानो में पार्ट वन में तुमने सिखवाड़ेलू छे, इस तरह के एरर को कौन कैसे रेक्टिफाई करना है भाई, इस तरह के एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है, इस तरह के एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज राइट, याद छे ने, डू व्हाट इज राइट। तो भाई रॉन्ग क्या है, इसके अंदर रॉन्ग क्या है, जनरली उसको अंडू करना पड़ेगा, रॉन्ग क्या है इसके अंदर, रॉन्ग क्या है, महेश गलत डेबिट है, राइट, महेश गलत डेबिट है, तो उसको अंडू करना, भाई डेबिट गलत है क्या करोगे, उसको डेबिट गलत है उसको क्या करोगे, डेबिट गलत है उसको क्या करोगे, डेबिट गलत है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। और डू क्या करना है, सही क्या था, सही क्या था, सही क्या था, महेश की जगह क्या लिखना है मुझे, सैलरी, तो उसको डू करना है, डेबिट है डेबिट ही करना है, तो क्या बनेगी एंट्री, कोई कहेगा मुझे, व्हाट विल बी आंसर टू दिस, व्हाट विल बी आंसर टू दिस, अली वेरी गुड बेटा, व्हाट विल बी आंसर टू दिस, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रेक्टिफिकेशन एंट्री, सैलरी टू महेश, वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट, ना सैलरी टू कैश ना आवे बेटा, कैश ने जो कैश तो करेक्ट है, छे कैश बनने में करेक्ट छे ने ब्रो, कैश बनने में करेक्ट छे ने, कैश बनने में करेक्ट छे, करेक्ट, करेक्ट ने नहीं टच करवानी, रॉन्ग क्यों छे एने अंडू करवानु ने, राइट क्यों रही गयो छे एने डू करवानु, एवरीवन इज इट क्लियर, एवरीवन इज इट क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक। अब यहां पे ये प्रिंसिपल एरर कैसे हुआ, कोई मुझे बताएगा भाई, ये प्रिंसिपल एरर था, हाउ हाउ वी कैन कंसीडर दैट दिस इज प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल छे एवं तमे कई थी कही सको, कई थी कही सको क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल छे, कि भाई तमारे रूल क्यों लेवानो हतो, सैलरी इज एन एक्सपेंस लेवानो हतो, रूल कोड ऑफ कंडक्ट, सैलरी इज एन एक्सपेंस लेवानो हतो, कि महेश इज रिसीवर, क्यों लेवानो हतो, कौन सा रूल लेना था आपको, सैलरी इज एन एक्सपेंस लेना था या महेश इज रिसीवर लेना था, बोलो, देखो ये प्रिंसिपल एरर है, पता चलना चाहिए मुझे, नहीं पता चलेगा तो भी कई बार आंसर आ जाएगा, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, क्या लेना था मुझे, सैलरी इज एन एक्सपेंस,
पर मैंने रूल क्या ले लिया, महेश इज रिसीवर गिन के उसको डेबिट कर दिया, सैलरी इज एन एक्सपेंस गिनना था, मैंने कंसीडर कर लिया महेश इज रिसीवर, सो दिस इज अ प्रिंसिपल एरर। और एक एग्जांपल लू उसका, और एक एग्जांपल लू, एक अजू एग्जांपल लाइए, एक अजू इलस्ट्रेशन लाइए, एक तो लीधू जा पड़े, एक अजू लाइए। वेजेस रुपीस 500 पेड फॉर इंस्टॉलिंग मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। भाई वेजेस पेड रुपीज 500 इंस्टॉलिंग मशीन, क्या अकाउंट ने डेबिट करवाना, कोई कैसे माने वेजेस पेड 500 फॉर इंस्टॉलिंग मशीन, क्या अकाउंट ने डेबिट करवानो, राइट एंट्री शू बन से, राइट एंट्री वेजेस पे करिए मशीन इंस्टॉल नो, तो राइट एंट्री के करेक्ट एंट्री शू बन से, वेजेस पे करियो आपने 500 रुपीस मशीन इंस्टॉल करती वक्त, तो करेक्ट एंट्री शू बने, बोलो 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 जल्दी, व्हाट विल बी राइट एंट्री। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, वेजेस टू कैश, क्वेश्चन मार्क नहीं जरूर ना थी, शुभ बने वेजेस टू कैश, रॉन्ग एंट्री यार, तो रॉन्ग बनी बेटा, वेजेस टू कैश ब्रून, वेजेस पे करियो मशीन खरीदती वक्त, तो मशीन टू कैश, वेजेस टू कैश, वेजेस टू मशीन, शू बने एंट्री बेटा, रॉन्ग एंट्री, शू अपने वेजेस डेबिट कर, भाई असेट खरीदती वक्त जो एक्सपेंस था असेट अकाउंट डेबिट करवानो, असेट अकाउंट डेबिट करवानो के पछी एक्सपेंस अकाउंट, शीखवाड्यू जेने चैप्टर नंबर 4 मां में, असेट खरीदते टाइम जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, असेट अकाउंट डेबिट करना था मुझे या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना था, प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, मशीन टू कैश, राइट एंट्री क्या बनती, राइट एंट्री क्या बनती ना, मशीन इंस्टॉलेशन नहीं, मशीन ज आवे बेटा साहेब, शू बने एंट्री, मशीन में ज एड करी देवानू, शू बने एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री देनी थी मशीन टू कैश, करेक्ट एंट्री क्या देना था, मशीन टू कैश, हमने क्या दे दिया, वेजेस टू कैश, क्लियर। तो यहां भी वही, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज राइट, करेक्शन एंट्री क्या बनेगी, करेक्शन एंट्री क्या बनेगी, करेक्शन एंट्री क्या बनेगी, व्हाट विल बी करेक्शन एंट्री, भाई वेजेस रॉन्ग डेबिट करियो छे, शू करवू पड़से, वेजिस रॉन्ग डेबिट करने क्रेडिट करव पड़े, मशीन, वेरी गुड, मशीन टू वेजिस, तो करेक्शन एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, क्लियर, क्लियर एवरी वन, क्लियर एवरी वन। और एक ले लें, और एक इलस्ट्रेशन ले लें, और एक इलस्ट्रेशन ले लें, और एक इलस्ट्रेशन ले लें, जो आज बड़ी वस्तु समझवानी थी, एक्सरसाइज पची इजी है, यही सारी चीजें समझनी है, ओके। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ रुपीस 1000 फ्रॉम दयावान, फ्रॉम दया लिखते हैं, फ्रॉम दया इज रिकवर्ड एंड credited to his personal account। ख्याल आया, क्वेश्चन ख्याल आ गया, बैड डेब्ट किया था दया ने, दया ने बैड डेब्ट किया था, वो रिकवर किया हमने 1000 रुपए, और रिकवर करके क्रेडिट कहां पे किया, दया के पर्सनल अकाउंट में, मतलब दया अकाउंट में। चलो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी यहाँ, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी और रॉन्ग एंट्री क्या बनी वो मुझे बताओ, करेक्ट एंट्री 1000 रुपया बैड डेब्ट रिकवर करो दया पास, एंट्री आवे भाई,
हजार रुपया बेड डेप्स रिकवर करिए दया पास दी तो शू एंट्री आवे कैश टू बेड डेप्स रिकवर्ड वेरी गुड करेक्ट एंट्री क्या आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट पर हमने किया क्या यहां पे किया क्या रॉन्ग एंट्री क्या दे दी भाई रॉन्ग एंट्री कोई कहेगा मुझे क्या दे दी रॉन्ग एंट्री क्या दे दी हमने कोई कहेगा मुझे रॉन्ग एंट्री What wrong entry we have given? हमने क्या चीज क्रेडिट किया कैश टू दया वेरी गुड वेरी गुड हमने रॉन्ग एंट्री क्या दे दी कैश अकाउंट डेबिट टू दया अकाउंट हमें बैड डेट रिकवर्ड इनकम गिनना था पर हमने दया इज गिवर गिन लिया यहां क्या प्रिंसिपल रॉन्ग ले लिया बैड डेट रिकवर्ड हमें इनकम कंसिडर करना था पर हमने क्या कंसिडर कर लिया कि दया इज गिवर તો એનું રેક્ટિફિકેશન અનડુ વોટ ઇઝ રોંગ ડુ વોટ ઇઝ કરેક્ટ રેક્ટિફિકેશન શું થશે બોલો એનું રેક્ટિફિકેશન શું થશે બોલો શું થશે રેક્ટિફિકેશન કેશ કરેક્ટ છે બંનેમાં એને ટચ કરવાની જરૂર નથી યસ રાઈટ દયા ટુ બેડ ડેટ્સ રિકવર્ડ વોટ વિલ બી રેક્ટિફિકેશન દયાઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ દયાઝ અકાઉન્ટ डेबिट क्योंकि ये अंडू करना है टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट ओके चलो ख्याल आ गया प्रिंसिपल एरर ख्याल आ गया प्रिंसिपल एरर ख्याल आ गया सबको तो आगे बढ़े कोई डाउट पहले दो एरर ओमिशन में क्या होता है भाई ओरिजिनल एंट्री नहीं लिखी हमने ओमिशन में क्या होता है We have not recorded at all. The original entry is not yet recorded in the books of account. That is error of omission. दूसरे वाले में क्या आपने record तो किया है पर गलत rule regulation ले लिया है आपने उसको record तो किया है but rules regulations used for recording are taken wrongly. That error is called principal error. You have violated the rules of the accounting. Accounting rule को क्या किया गया है? Violate किया गया है. Clear? Clear? Third पे जाएं. Third is recording wrong account. Recording wrong account. Wrong account और principal error में कई बार students को समझ नहीं पड़ता. ये समझना. Wrong account अलग चीज है और principal error अलग चीज है. प्रिंसिपल एरर भी एक प्रकार से रॉन्ग अकाउंट ही है एरर ऑफ प्रिंसिपल इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट अभी आपने थर्ड नी बात करिए पहला तो आपने सेकेंड जो लख्यू छे सेकेंड थई गयो सेकेंड में कोई ने कोई प्रॉब्लम नथी एरर ऑफ प्रिंसिपल राइट अबे थर्ड एरर ऑफ रेकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट उसका इलस्ट्रेशन देखो पता चलेगा रुपीज 5000 रिसीव्ड फ्रॉम राजा इज क्रेडिटेड टू राजूस अकाउंट ख्याल है अमाउंट मिला किसके पास से आपको अमाउंट मिला किसके पास से करेक्ट एंट्री राइट वेरी गुड करेक्ट एंट्री भ्रूम ने लिख दिया क्या आएगी करेक्ट एंट्री क्या आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राजास अकाउंट क्या लिखना था राजास अकाउंट रॉन्ग क्या कर दिया मैंने राजा की जगह क्या कर दिया राजू रॉन्ग क्या कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राजूस अकाउंट ट्रायल बैलेंस टैली थसे के नहीं था ना जी ट्रायल बैलेंस टैली थसे के नहीं था થઈ જશે ટેલી થઈ જશે હા ફરક શું પડશે ભાઈ આપણને એવું બતાવશે કે રાજાથી હજુ લેવાના છે અને રાજુથી હવે લેવાના નથી ક્લિયર
इसको अच्छा ये क्या हुआ, रॉन्ग अकाउंट हो गया। ये क्या हो गया, जब देखो राजा और राजू दोनों पर्सनल अकाउंट है ना, राजा और राजू दोनों पर्सनल अकाउंट है, यस और नो? तो ये रॉन्ग अकाउंट वाला एरर हुआ। पिछले वाले में भी गलत क्रेडिट था, पर उसमें क्या था, बैड डेब्ट रिकवर्ड एंड दया। भाई बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या टाइप नो अकाउंट है, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या टाइप नो अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल नॉमिनल अने दया क्यों अकाउंट है, दया क्यों अकाउंट है, पर्सनल। एटले जारे बे टाइप ना अकाउंट इन्वॉल्व है ने, बे टाइप ना अकाउंट इन्वॉल्व है। जो एना पहला मां शू हतु, मशीन एंड वेजिस। मशीन कौन सा अकाउंट है, मशीन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और वेजिस, सॉरी मशीन रियल, मशीन रियल राइट। वेजिस, वेजिस। तो जब दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो वो एरर क्या हुआ, जब दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो वो एरर क्या हुआ, दो टाइप अलग अलग टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व है प्रिंसिपल, पर नेचर जब सेम है, राजू एंड राजा दोनों सेम है, देखो पर्सनल है, तो वही एरर क्या कहलाएगा, वही एरर क्या कहलाएगा, वही एरर क्या कहलाएगा, रॉन्ग अकाउंट एरर। क्लियर? अब इन्हें रेक्टिफाई कई रीते करवानो, भाई सेम, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। रेक्टिफाई कैसे करना है, वही रूल, रेक्टिफाई उसको कैसे करना है, रेक्टिफाई उसको कैसे करना है, वही अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अंडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज राइट। क्लियर? तो शू बन से एंट्री, भाई अंडू, राजा करेक्ट है क्रेडिट करना है, राजू रॉन्ग है डेबिट करना है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी राजूस अकाउंट डेबिट टू राजास अकाउंट, राजूस अकाउंट डेबिट टू राजास अकाउंट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट, बोलो कोई डाउट आई सुधी? डन, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट एरर, कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग विच बुक, प्रिपेयरिंग प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक मीन्स व्हाट,